कहते तो हम सभी हैं कि राजपूत हैं हम, लेकिन वो क्षत्रियों वाली चाल अब कहाँ है, वो राणा सांगा की तलवार अब कहाँ है, वो राणा प्रताप का बल्लभ कहाँ है, वो जोरावर सिंह की दहाड़ अब कहाँ है। कहते तो हम सब हैं कि राजपूत हैं हम, लेकिन अब क्षत्रियों वाली चाल कहाँ है। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी। आज क्षत्रिय समाज पर कुछ बातें करेंगे कि हमारा क्षत्रिय समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। इनको कुछ भी समझ नहीं लग रही है कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर जो कि सूर्यवंशी क्षत्रियों या सूर्यवंशी राजपूतों के पूर्वज थे, भगवान राम जिनके वंशज कुश लब और कुश थे, और उनसे ही जो कुछ जयपुर के कुशवाहा राजपूत निकले, जोधपुर, नागौर, मारवाड़ के राठौर राजपूत निकले, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, गिलगिट, बल्टिस्तान पर राज करने वाले महाराजा गुलाब सिंह और जम्बाल राजपूत, और ऐसे ही सांबा पर राज करने वाले संभ्यार राजपूत, और काफ़ी सारे वंश निकले। इसके अलावा अयोध्या के ही रघुवंशी राजपूत, वो भी भगवान श्री राम जी के ही वंशज हैं। लेकिन मेन बात ये है कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, लेकिन भगवान श्री राम जी के एक भी वंशज को वहाँ बुलाया नहीं गया। आज भी भगवान श्री राम जी के वंशजों के राजघराने मौजूद हैं, वो चाहे मेवाड़ राजघराना हो, चाहे जयपुर राजघराना हो, चाहे जोधपुर राजघराना हो, चाहे गुजरात के काफ़ी सूर्यवंशी राजपूतों के राजघराने हैं, जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी रियासत के राजघराना आज भी जिंदा है, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह हैं उनके बेटे हैं, जो एक उनमें से बीजेपी में भी है, उनको भी नहीं बुलाया गया, मतलब किसी को भी नहीं बुलाया गया। जब जिस दिन राम मंदिर का वो हुआ, तो किसी भी एक भी राजपूत को राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं लिया गया। और सुनने में आ रहा है राम मंदिर जी को कोरिया और इंडोनेशिया से जोड़ रहे हैं ताकि क्षत्रिय समाज के एक भी वंशज को वहाँ ना बुलाया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो किसी भी क्षत्रिय को उन्होंने नहीं बुलाना था। उन्होंने राम मंदिर में उनको भी नहीं लिया जो कि 500 सालों से तपस्या कर रहे थे, जो क्षत्रिय थे, जो उन्होंने 500 सालों से युद्ध लड़े, वो चाहे गहर बार राजपूत हो, जिनसे राठौर निकले कन्नौज पर राज करने वाले, वो भी सूर्यवंशी थे। अयोध्या के पास ही रघुवंशी राजपूत है, उनको भी नहीं बुलाया गया। मतलब कि हमारे समाज के साथ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। चलो ये तो बात हो गई, उसके बाद मैं मेन बात करूँगा। आज मैं जाट समाज को बहुत एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि और राजपूतों को जाटों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज क्षत्रिय समाज इतना पीछा हो रहा है, उसकी वजह यह है कि हम लोग हिंदुत्व में इतना डूब चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं भी या नहीं। जो कौम अपनी नहीं हो सकती, वो किसी की नहीं हो सकती। हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमें आज क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं जाट भाइयों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देता हूँ। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा, जो कि जाट समाज से हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी, वो भी जाट समाज से हैं, और RLP जो हनुमान बेनीवाल जी ने बनाई है नई पार्टी, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से हैं। मतलब कि राजस्थान के तीनों प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से हैं। फिर उसके बाद हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो जाट समाज से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी जाट समाज से, INLD के, वो भी जाट समाज से। हम अपने जाट भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो मैं जाट भाइयों को इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान, जिसको पहले राजपूताना भी कहा जाता था, जहां सभी रियासतें राजपूतों की थी, वहां मतलब कि सभी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त जाट हैं। जाट एक किसान कौम है, जो राजपूत एक रजवाड़ों वाली कौम है, रियासतें थी राजपूतों की रियासतों में ये मतलब कि किसान का काम करते थे, और इस कौम ने इतनी तरक्की की कि आज ये राजपूतों को टक्कर दे रही है। जैसे कि शेखावटी, जिसको शेखावत राजपूतों ने बसाया, शेखावटी जो शेखावत राजपूतों के नाम से है,
शेखावटी, नागौर जहाँ राठौर राजपूतों की रियासतें थी। इन दोनों जगह पर क्षत्रिय समाज के साथ अत्याचार होते हैं और इन दोनों जगह पर उस कौम का दबदबा हो गया है। और भी बहुत सारी कौमें हैं, जैसे कि आप देख लो बीकानेरी देख लो, जिसको राठौर राजपूतों की रियासत है, कितने ही राजपूतों को वहाँ टिकट मिलती है। और मतलब कि पहले जब 1947 के बाद जब राजस्थान में चुनाव हुए तो 60 राजपूत जीत कर आए, 120 में से 60, मतलब 50% राजपूतों ने सीटें निकाल ली, इतना डोमिनेंस था। और आज देख लो कोई भी पार्टी वोट नहीं देना चाहती और हमें बोलते हैं कि हम जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद तो सरकार कर रही है, जातिवाद तो सरकार कर रही है। अब मुझे बताओ मिहिर बोध जो एक परिहार राजपूत हैं, उनका इतिहास किसने चढ़ाया? दिल्ली में उनके नाम से चौक किसने बनवाए? आला उजल जो बनाफर राजपूत हैं, तोमर राजपूत उनसे निकले हैं, बनाफर राजपूत जो चंडेल राजपूत वंश के राजा के दो पैदल सैनिक थे, आला उजल जो एक राजपूत थे, उनका उनको दूसरी कौम का किसने बताया? यदुवंशी राजपूतों का इतिहास किसने चुराया? सुहेल देव बैंस जो बैंस राजपूत हैं, उनको और किसी समाज का किसने बताया? मतलब कि ये हर जगह जातिवाद हो रहा है और हम क्षत्रिय समाज ही हिंदुत्व का ठेकरा क्यों इकट्ठा करके बैठा है आज। मतलब कि राजस्थान जिसको राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, जहां हर रियासत लगभग सभी रियासतें राजपूतों की थी, पूरा का पूरा राजस्थान ही राजपूतों के नाम से जाना जाता था। और जो एक बोलते हैं कि जो वो भी करौली के जड़ों राजपूतों से निकले हैं, लेकिन आज हालत देख लो कोई भी राजपूतों को टिकट देना नहीं चाहता। राजपूत सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं, चाय पिलाने का काम करते हैं, इनको बस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन कोई भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाता, कोई भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाता, सिर्फ वो ही बनाते हैं। अब राजस्थान विश्वविद्यालय देख लो वहाँ कौन सा इनको वो टिकटें दे रहा है। और ये सिर्फ गुणगान करते रहते हैं, गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। यूपी में देख लो यही जो कि एक ओबीसी में आते हैं, जो कि जिसको दलित या अति पिछड़े कहा जाता है, जिसको तो मतलब कि यूपी के दलित अहीर भाइयों ने, दलित अहीर भाइयों ने इतनी वो की कि वहाँ यूपी में ठाकुरों का राज हुआ करता था और सभी रियासतें ज़मीनें सभी ठाकुरों की थी, लेकिन ठाकुर अपनी मौज में रहे, दारू में रहे, शराब में रहे और दलित अहीरों ने अपनी पार्टी बनाई और आज सत्ता में भी गए। वो आज उनकी पार्टी एक स्टैंड है उनका। ऐसे ही हरियाणा राजस्थान में जाटों ने पार्टी बनाई, राजस्थान में राजपूतों को पार्टी बनानी चाहिए थी, उनके पास पैसा भी था, रियासतें थी, रजवाड़े थी, लेकिन राजपूतों ने ये काम नहीं किया और आज भी राजपूत सिर्फ हिंदुत्व का ठेका उठाए हुए हैं। आप जब तक इकट्ठे नहीं होगे, इकट्ठे वोट नहीं डालोगे, आप शेर सिंह राणा की पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो और उनको बोलते हो कि वो मुस्लिम राजपूतों को साथ में लेकर चलता है, हमें मुस्लिम राजपूतों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, हमें लोधी राजपूतों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, हमें कश्यप राजपूतों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सियानी राजपूत भी हमारे साथ हैं, सभी राजपूतों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। राजपूतों की एक बहुत बड़ी वादी है, जम्मू हिमाचल उत्तराखंड तो पूरी तरह राजपूत लैंड है, फिर भी सरकारें हमारी नहीं सुनती। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, बिहार 10-15% अकेले राजपूतों की आबादी है, सबसे ज़्यादा एक कौम की देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी है। जाट सिर्फ हरियाणा और थोड़े से राजस्थान में हैं, अहीर सिर्फ यूपी बिहार में हैं, गुज्जर सिर्फ 1 करोड़ हैं पूरे इंडिया में, सिर्फ दिल्ली के आसपास, और राजपूत पूरे भारत में हैं, जम्मू हिमाचल उत्तराखंड एमपी यूपी हर जगह हैं, और लगभग 10 करोड़ आबादी है सबसे ज़्यादा। आज हमारी सरकार होनी चाहिए थी, हमारी पार्टी होनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने पार्टी बना ली जो कि हमारे से कितने वो थे, और हम आज क्या हो गए। मतलब कि हमारी शेर सिंह राणा भाई जी को सपोर्ट करो, आरजेपी को सपोर्ट करो, पार्टियों की गुलामी छोड़ो। आप खुद बताओ मिहिर बोझ जी का इतिहास किसने चुराया, कौन सी पार्टियों ने चुराया? आप खुद देख लो, उसको छोड़ो, जम्मू जिसको राजपूत लैंड भी कहा जाता है, वहाँ भी महाराजा गुलाब सिंह का अपमान किया गया,
महाराजा गुलाब सिंह का स्टेप 25% है राजपूतों की आबादी जम्मू में, वहाँ महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू की जगह 4% आबादी वालों का लगा रहे थे। ये देख लो, मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम राजनीति नहीं कर सकते लेकिन राजपूती तो करो, हर जगह चौक बनवाओ इकट्ठे होकर। अब वो जो उनसे सीखो, सिखों से सीखो कुछ, उनका भी कुछ इतिहास नहीं है। हमारा, हमने पूरे इंडिया पर राज किया, पंजाब हरियाणा पे हमने राज किया, तोमर राजपूतों का राज था, चौहान राजपूतों का राज था, पृथ्वीराज चौहान और नंगपाल तोमर पंजाब हरियाणा तक सीमाओं तक राज था, बिकाराज चौहान, बट्टी राजपूत, जंजुआ राजपूत। पंजाब हरियाणा में सब पहले राजपूतों की चलती थी, सबसे ज़्यादा आबादी होती थी 1947 से पहले, रामगढ़ राजपूतों की सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती थी पंजाब हरियाणा में, किसी को भी पूछ लेना। 1947 के बाद हम ख़त्म ही हो गए, गायब ही हो गए, और जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ थोड़ा सा वर्चस्व है, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें मतलब कि इकट्ठा होकर राजपूत बाद ले आना पड़ेगा, हर जगह अपने चौक बनवाने पड़ेंगे, क्षत्रिय समाज के, ठाकुरों के, मतलब पृथ्वीराज चौहान जी के चौक बनाओ, मिहिर भोज के चौक बनाओ, जोरावर सिंह के चौक बनाओ, उसके महाराजा गुलाब सिंह के चौक बनाओ। सिर्फ तुम एक चीज़ के पीछे लग जाते हो, इन पार्टियों के पार्टी पूत बन गए हो। उसी तरह तुम महाराणा प्रताप के पीछे लगे और महाराणा प्रताप के चक्कर में तुमने मिहिर भोज को गवा दिया, जदुवंशी राजपूतों को गवा दिया, जिनके रियासतें रजवाड़े आज भी हैं, उसको सुहेल देव बैंस को भी गवाने वाले हो, आला उद्दुल को भी गवाने वाले हो, जो सभी राजपूत हैं। इस देश का, पूरे इंडिया का 100 में से 99% इतिहास अकेले राजपूतों का है, 1% इतिहास कोई मान्य नहीं रखता, और क्षत्रिय सिर्फ राजपूत हैं। तो सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ताकत को पहचानो। जय राजपूताना, जय मां भवानी।